सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज मौसम कुछ ख़राब है, बारिश आई है, तो संभावना तो बन रही है कि बारिश हो जाएगी, तो अच्छा है। अगर हो जाती तो बारिश के होने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने इस वाले खेत की खुदाई करेंगे और यहाँ पे आज मैं कुछ पौधे लगाने वाली हूँ, तो आपको भी दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा कंटिन्यू, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें इस वाले खेत की करनी है अभी पहले तो खुदाई, इसमें गोबर की खाद वगैरह डाल लेनी है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में लगाने हैं हमें इसमें पौधे, शिमला मिर्च के, बैंगन वगैरह के पौधे ऐसे ऐसे लेके आई हूँ मैं, और गर्मियों की सब्जियों के बीज भी लेके आई हूँ मैं। यहाँ पे आधी क्यारी की खुदाई की मैंने, फिर उसके बाद यहाँ पे हरदीप भी आ गए हैं मेरी हेल्प करने को। तो यहाँ पे हमारी क्यारी तैयार हो गई है, अब लगाऊंगी इसमें मैं ये पौधे। तो ये है यहाँ पे बैंगन के पौधे और ये है शिमला मिर्च के पौधे, तो इनको लगा रही हूँ मैं आज। और काफ़ी सारी सब्जियाँ लगे हमारे इस बार, अभी 2 सालों से सब्जी नहीं हो रही है, ना तो बरसात में थी ना तो अभी सर्दियों की सब्जियाँ थी हमारे, वैसे थी थोड़ी बहुत, तो ऐसे नहीं था कि ज़रा भी नहीं थी, थी कुछ तो, पर कुछ खा ली जानवरों ने, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो तभी मैंने बोला कि अभी गर्मियों की सब्जियां लगाने शुरू कर देते हैं हम, तो अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे ये पौधे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च के पौधे भी लगा लिए हैं और साथ में बैंगन के पौधे भी इस वाली क्यारी में ही लगाए हैं। तो अब लिए हैं मैंने यहाँ पे कद्दू, करेला और परोड़ के बीज, तो इनको भी मैं आज बीज ही लूँगी। और वो जो मैंने बीज दिखाए थे ना आपको, तो वो तो मैंने यहाँ पे इन वाले लिफाफों में बीजे हैं, इनमें मैंने गोबर की खाद डाल करके मिट्टी मिक्स करके इनको भर लिया पहले, फिर डाले इनमें बीज, बाकी थोड़ा सा साइड में भी बीजे हैं। ये देखिए यहाँ पे बनाई है कुछ क्यारियाँ, छोटी छोटी गोल गोल क्यारियाँ, तो इनमें भी दिए हैं कुछ एक बीज मैंने। तो भगवान से दुआ करना सभी कि जितने बीज मैंने बीजे हैं आज और जो भी पौधे लगाए हैं ना सारे, ये शिमला मिर्च के भी लगाए हैं तो बैंगन के भी लगाए हैं, तो ये सारे लग जाएँ और उग जाएँ मेरे सारे बीज। तो अब मैं अपनी बकरी को चराने के लिए लेके आई हूँ यहाँ पे, और इसको मैंने घास काट लिया है पेड़ पर से, और अब ये दोनों यहाँ पे खाते रहेंगे आराम से और इनका गुजारा भी हो जाएगा। और यहाँ पे लकड़ी फाड़ने के लिए आज ये देखिए ये वाली ट्रिक आजमाई है, इससे लकड़ी अच्छे से कट जाती है, ये देखिए किस तरह से कट गई लकड़ी, ऐसे तो कुल्हाड़ी से ये कटने वाली नहीं थी। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो हमने पशुओं को भी अंदर बांध लिए है और बकरी को भी चराने के लिए लेके गए थे ना, तो उसको भी बांध लिए अंदर, सारे पशुओं को ही अंदर बांध लिए है। अभी तो शाम के टाइम ना यहाँ पे तेंदुए वगैरह का डर भी रहता है क्योंकि यहाँ पे जंगल है साथ में, तो शाम के टाइम तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है आजकल, खासकर जब से कि हमने बकरी पाली है, बकरी या कुत्ता पाला हो जब ना तब रहता है ज़्यादा डर। तो अभी जल्दी जल्दी से सारे पशुओं को अंदर कर लिया है हमने,
और अभी भैंस दूने को जाना है, मुझे सिर्फ ये काम बचा है हमें। बाकी हमारे यहाँ पे ना लाइटें लगी है चारों तरफ को, हमारे पास ऊँ के कमरे में भी लाइट है, तो जब भी हम कभी लेट हो जाते हैं ना तो हम अंदर लाइट में ही भैंस दूने का काम कर लेते हैं। वैसे डेली लाइट में ही होता है हमारा भैंस का काम जो है, क्योंकि बाहर काम करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। और अब तो जैसे जैसे दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो वैसे ही हमारे काम तो देर तक चलते रहते हैं जब तक अंधेरा ना हो, ऐसे होता है गांव के लोगों का सभी का ही। तो इतना ही था आज की वीडियो में, इसी के साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए साथ में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।